हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बॉम्बे सैंडविच और चीज़ सैंडविच। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप मेरे साथ जुड़े रहें नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं बॉम्बे सैंडविच। बॉम्बे सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड की 2 स्लाइस, बटर, टमाटो सॉस, खीरे और टमाटर की स्लाइसेस और हरी चटनी। अब सबसे पहले हम हरी चटनी में टमाटो सॉस मिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच हरी चटनी ली है और इसमें मैं 1 चम्मच टमाटो सॉस डालूंगी। बिल्कुल इक्वल इक्वल इसका प्रोपोर्शन रखना है हमें, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और ये जो सॉस और चटनी हमने मिक्स की है उसे हम ब्रेड की स्लाइस पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। देखिए इस तरह से। सॉस घर पर कैसे बनाएं इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप सॉस बनाना भी चेक कर सकते हैं। ये सैंडविच खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और टी टाइम स्नैक्स, टिफिन बॉक्स, इवनिंग स्नैक्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसे बनाएंगे तो आपके बच्चे आपसे बहुत ही इंप्रेस हो जाएंगे। इवन जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अब हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इस स्लाइस पे हमें बटर लगाना है। तो इस तरह से हम पूरी स्लाइस पे बटर लगाएंगे। तो एक स्लाइस पे हो गया सॉस और चटनी मिक्स और दूसरी स्लाइस पे हो गया बटर। बटर को ब्रेड पर लगाने के बाद अब जो ये हमने खीरे और टमाटर की स्लाइसेस काट के रख रखी हैं इसको हम ब्रेड पर लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, एक स्लाइस खीरा, फिर टमाटर और फिर खीरा और फिर टमाटर। अब हम इस पे डालेंगे नमक और काली मिर्च। इसके लिए मैंने 1 चुटकी नमक लिया है और 1 चुटकी काली मिर्च और दोनों को मिक्स कर दिया था। अब दूसरी स्लाइस से ब्रेड को कवर करेंगे और कवर करने के बाद हम इसे 2 पीसेस में काट लेंगे। देखिए इस तरीके से। इसके लिए मैंने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है, आप चाहें तो नाइफ से भी काट सकते हैं। और देखिए ये बॉम्बे सैंडविच बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं चीज़ सैंडविच। चीज़ सैंडविच बनाने के लिए मैंने ली है 2 व्हाइट ब्रेड की स्लाइसेस और हमें चाहिए खीरा और गाजर, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया है। अमूल बटर, 2 बड़े चम्मच मलाई और टमाटो सॉस। मलाई में अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसमें अमूल बटर डाल के हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए ये होममेड चीज़ सैंडविच है। आपको बाज़ार से चीज़ भी नहीं लाना पड़ेगा और आपको बिल्कुल चीज़ सैंडविच जैसा स्वाद आएगा। चीज़ सैंडविच खाने का मन तो कभी भी कर सकता है, लेकिन चीज़ हमेशा घर में अवेलेबल नहीं होता। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है चीज़ सैंडविच घर में बनाने का और बिल्कुल उसी टेस्ट के है। तो देखिए मलाई और मक्खन अच्छे से फिट चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर और खीरा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे और हमें इसके कॉर्नर्स काटने हैं, ये जो इसका ब्राउन वाला हिस्सा है। तो एक नाइफ की मदद से आप ये कॉर्नर्स निकाल दें। इसके बाद जो स्टफिंग हमने तैयार की है उसे हम ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे। अच्छे से हम इसको ब्रेड पर लगा देंगे और इसके बाद इसे दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे। अब हम सैंडविच को 2 ट्रायंगल्स में कट कर लेंगे। इसका स्वाद आपको बिल्कुल बाजार जैसे चीज़ सैंडविच का आएगा और आप अपने मेहमानों या अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो वो भी नहीं पहचान पाएंगे कि आपने घर पे ही चीज़ सैंडविच बिना चीज़ के कैसे बनाए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ को आसानी से अपने घर पर बना सकें।